दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मराठा रानी ताराबाई के बारे में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है और अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को रैन्हा डॉस मराठास या मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। तो चलिए जानते हैं कौन थी रानी ताराबाई। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ। लाइव हिस्ट्री इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई का साथ दिए दो विश्वासपात्र और वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थीं। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। द बेटर इंडिया के एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थीं। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। मुगलों के इलाके से कर संग्रह किया। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है, वो है उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घुस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थीं। शाहूजी के हाथों में मराठा बागडोर। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया।
2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से शाहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। शाहूजी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहूजी मुगलों के पास पलेबधे थे और इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही ये मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर शाहूजी ही छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में शाहूजी गद्दी पर बैठे। कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना। अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग तरह से दिखाया है। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो पाए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे शाहूजी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। शाहूजी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। तो यहीं तक था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मराठा।